अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स अपनी साइंस की बुक खोलें। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 मटेरियल्स। मटेरियल्स कहते हैं मवाद को जो किसी भी तरह का हो सकता है। अ मटेरियल इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू मेक समथिंग एल्स। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी है। That is used to make something else, जो कि जो कुछ और बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मवाद एक चीज़ है, वो चीज़ कोई भी हो सकती है और वो कुछ और चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। Material can be soft, material मवाद नरम हो सकता है। Material can be smooth, material हमवार हो सकता है यानी कि मुलायम हो सकता है। We can only skate on a smooth surface. हम सिर्फ एक हमवार सतह पर स्केट कर सकते हैं। Materials can be rough. मवाद खुरदरा हो सकता है। Materials can be hard. मवाद सख्त हो सकता है, जैसे कि हमारे दरवाजे, जैसे कि हमारे बेंच, मेज, टेबल, चेयर्स, ये सब क्या है? हार्ड मटेरियल है। मटेरियल्स कैन बी इलास्टिक, लचकदार। मटेरियल जो है वो लचकदार भी हो सकता है, जैसे कि लड़की के हाथ में इलास्टिक है और वो लचकदार है। तो बच्चों आज का हमारा सबक यहीं तक है। आपने पेज नंबर 36 की रीडिंग करनी है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा आपने उसको बार बार रीड आउट करना है। थैंक यू।